हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं आदिति और आज हम लोग अपना देखेंगे डेली न्यूज एनालिसिस। तो बेसिकली आज संडे है आपका, तो संडे को आप लोगों को पता है कि खासा न्यूज नहीं आती है। इवन आज एडिटोरियल्स भी नहीं आते, बस आपका एफएक्यू और साइंस टेक का जो एक पोर्शन आ जाता है, ठीक है। अदरवाइज बाकी आपको काफी सारी चीजें नहीं देखने को मिलती, और आज आर्टिकल्स भी बहुत ही कम आए हैं, बहुत रेयर आर्टिकल्स आए हैं। और जो आए भी हैं वो हम लोगों ने पहले पढ़े हुए हैं, बट आज मैं आप लोगों को उन आर्टिकल्स को थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं क्लास की। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले किसके बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे अनअकैडमी के बारे में। तो अनअकैडमी की आपकी ये कॉम्बैट जो है, अनअकैडमी का कॉम्बैट एक तरीके की लाइव क्विज है, ठीक है। हर संडे को होती है ये, आज भी हुई होगी, 11 बजे से होती है। तो ये फ्री है बिल्कुल, आप इसमें एनरोल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर एक्सपीरियंस मिलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग स्कॉलरशिप भी जीत सकते हो, कितनी? 4 करोड़ की। और यहाँ पर अगर बात करें तो आप लोगों को पता है कि अनअकैडमी ने एक मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर निकाला था, जो कि आपका अगर मान लीजिए 7 अप्रैल से पहले पहले आप लोग लेते हैं, 7 अप्रैल से पहले लेते हैं अगर आप, जैसे आज कितनी तारीख है? 4 तारीख है। आज अगर आप लोग लेते हैं इस ऑफर को, ठीक है, तो ये आपका वैलिड रहेगा नेक्स्ट ईयर के जुलाई तक। यानी कि वैसे 1 साल तक रहता था, अगर अप्रैल में लिया तो अप्रैल तक वैलिड रहेगा, बट अब क्या कर दिया यहाँ पे आपके अनअकैडमी ने, 1 साल प्लस 4 महीने ओवर बढ़ा दिए हैं। तो आपका ये कब तक वैलिड रहेगा? जुलाई तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो फिर अगर आप लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एक कोड यूज करना है। कोड का नाम क्या है? स्टडी आईएएस, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, उस कोड का यूज करना और ये ऑफर जरूर आप लोगों को मिल जाएगा। और मान लीजिए जैसे आपके प्रीलिम्स जो हैं वो पोस्टपोन हो जाते हैं, तो ये तब तक वैलिड रहेगा। अब यहाँ पे देख लो, अनअकैडमी द्वारा जो नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, 2022-23 की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसमें एनरोल कर सकते हैं। 7 तारीख से आपके बैचेस अभी भी चल रहे हैं, और आपके यहाँ पर काफी अच्छे एजुकेटर्स हैं, आप लोग इनसे क्लासेस ले सकते हैं। क्लासेस आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में होती हैं, दोनों ही मीडियम क्लासेस होती हैं। और बस यहाँ पर आप लोगों को जो कोड यूज करना है सब्सक्रिप्शन लेते टाइम, वो है स्टडी IAS। ये कोड यूज करोगे तो पता है आप लोगों को, हमेशा बोलती हूँ मैं, 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। तो अपना ये एक्स्ट्रा ऑफ लेने के लिए, अपने पैसे बचाने के लिए आप लोग कोड यूज करें, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को, पहली खबर से शुरुआत करेंगे। देखते हैं पहली खबर क्या है। यहाँ देखो, कोविड के केसेस हो गए हैं करीब 92,994, यानी कि 1 लाख पार चले गए हैं आपके केसेस। और ये अब तक देखोगे आप, अगर 6 महीने के हिसाब से देखें, लास्ट ईयर देखें हम लोग, लास्ट ईयर इतने केसेस नहीं आए थे जितने इस बार आ गए हैं। इतने सारे केसेस आ गए, और 50,000 केसेस तो आपके महाराष्ट्र से आ रहे हैं। 514 पीपल हैव बीन डेड, 514 लोग तो अभी खत्म भी हो गए हैं इसकी वजह से। और आपकी कल ही हम लोगों ने देखा था कि 11 स्टेट्स थी, देयर वर 11 स्टेट्स, और एक आपकी यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी आपकी दिल्ली जो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है। कल ही दिल्ली में 3,000 केसेस आए थे और अब बढ़ गए हैं और भी ज्यादा। तो देखिए यहाँ पे जो केसेस है वो एकदम से बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एक अलग ही तेजी आ चुकी है केसेस में कि इतनी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 1 लाख पूरे केसेस हो चुके हैं अब तक, ठीक है, और रोज के रोज केसेस आ रहे हैं। कल हम लोगों ने ये भी देखा था कि पुणे में एक वीक का लॉकडाउन भी कर दिया है इस वजह से। पुणे में कुछ जगह और है वहां पे करा है, और यहाँ पे ये बात हो रही है सिर्फ आपके वेरिएंट की वजह से, जो आपके वेरिएंट्स आए हैं जिसकी वजह से डॉक्टर काफी ज्यादा परेशान है। वैसे तो 6 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लग भी चुकी है ना, और काफी सारी वैक्सीन के बारे में बात करी गई थी कि जैसे फाइजर वगैरह है वो आपके 12 से 15 साल तक के बच्चों के लिए अच्छी है। तो अब जो भी है वैक्सीनेशन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतना बेटरमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया ने अपने यहाँ पर ताइवान में देयर्स अ रेलवे एक्सीडेंट, ठीक है, काफी ज्यादा बुरा रेलवे एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ताइवान में। ताइवान आपका एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, अगर आप देखोगे चाइना के पास ही आपको देखने को मिलेगा ताइवान, ये रहा ताइवान। अगर इंडिया के रेफरेंस में देखें तो ये हमारा इंडिया है,
और ये रहा आपका ताइवान, जिसको बेसिकली चाइना बोलता है अपना हिस्सा, ये अपना चाइना, इसे अपना हिस्सा बोलता है ताइवान को। ठीक है, चाइना का तो वैसे भी अधिकार सब जगह है। अभी फिलीपींस के साथ भी उसका काफी ज्यादा मसला चल रहा था, जो यहाँ पर 200 वो मिलिट्री बोट उसने भेजी थी और बोला था कि ये फिशिंग के लिए है। ठीक है, तो वो भी एक अलग ही मसला है। तो यहाँ पे चाइना इस पे अपना वैसे अधिकार जमाता है कि ये उसका हिस्सा है ताइवान। ठीक है, तो ताइवान में क्या हुआ है, रेलवे एक्सीडेंट हुआ है जिसमें करीब 50 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, 50 लोगों की डेथ हो गई है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेलवे एक्सीडेंट में। तो यहाँ पर हमारा जो इंडिया है, इंडिया ने यहाँ पर काफी ज्यादा अपने यहाँ पे विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, काफी ज्यादा एक डीपेस्ट बेसिकली यहाँ पे कंसोल करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यही था आपका इस आर्टिकल में, और खासा कोई चीज नहीं है, बस यहाँ पे आपका ये रेलवे एक्सीडेंट हुआ है। तो इस वजह से हम लोगों को मैप में ये चीज देखने की बहुत जरूरत है कि देखो ये हमारा इंडिया है तो ताइवान उसके हिसाब से कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है आपकी, नो ट्रेड विद इंडिया नाउ। अब देखिए, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान का ये जो किस्सा है ये काफी लंबे से चलता आ रहा है ना। इसको मैं आपको अभी डिटेल में पूरा पढ़ाऊंगी, पर यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले, शायद परसों तरसों की बात है, जब पाकिस्तान ने बोला था कि वो फिर से इंडिया के साथ जो ट्रेड है, ठीक है, किस चीज पर ट्रेड करने की बात कर रहा था, शुगर पे, चीनी पर और कॉटन पे, दो चीजों पे ट्रेड करने की बात कर रहा था। ठीक है, हम लोग यहाँ से इंपोर्ट करते हैं इनको, इन सामान को, ठीक है, पाकिस्तान में। तो यही बात हो रही थी कि ये लोग इंडिया से शुगर और कॉटन मंगवाएंगे, ठीक है, ये ट्रेड फिर से स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट डे ही, नेक्स्ट डे आया कि नहीं भाई बैन कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे ये ट्रेड। ठीक है, यही खबर आई थी, पहले कह दिया हाँ, उसके बाद ना। और वैसे भी अभी हाल फिलहाल में ये लोग काफी ज्यादा पाकिस्तानी, काफी ज्यादा न्यूज में आ रहे हैं। ठीक है, किस बेसिस पे न्यूज पे आ रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं इंडिया के साथ थोड़े अपने रिलेशन अच्छे करना, और बार बार ये चीज बोल भी चुके हैं कि इंडिया को पास्ट की सारी चीजें भूल जानी चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान को, ताकि वो लोग अपने रिलेशन आगे बढ़ा सके। पर ये हमेशा क्या बीच में ले आते हैं, कश्मीर वाला मुद्दा, और आज भी वही चीज है, इन्होंने साफ साफ बोल दिया ये तब तक ट्रेड नहीं करेंगे इंडिया के साथ जब तक कश्मीर वाला मुद्दा रिजोल्व नहीं हो जाता है, जो वहां पे डिस्प्यूट है, जब तक वो रिजोल्व नहीं होगा तब तक दोनों ही देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं वो अच्छे नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक बारी ट्रेड देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कि ट्रेड बैन हुआ क्यों था। नाउ सी, पाकिस्तान ने यहाँ पर खुद से ही यहाँ पे बोल दिया था, डिसीजन लिया था, ठीक है, कि भाई ट्रेड हम नहीं करेंगे। रीजन बीइंग, क्योंकि आप लोगों को पता है जम्मू एंड कश्मीर में जो एक बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुए थे, 370 वाला किस्सा, ठीक है, उसके ऊपर लोगों ने बोला था कि भाई जब तक ये यहाँ पर दोबारा से नहीं लगाया जाएगा तब तक हम लोग नहीं ट्रेड करेंगे, जब तक ये पर्टिकुलर जम्मू एंड कश्मीर के साथ। वैसे भी इन लोगों को लगता है कि हम कश्मीर के साथ बहुत ज्यादा बेकार की चीजें कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं कश्मीर पे, तो इनका एक ही एजेंडा रहता है कि उसी को अपने साथ लेके चल रहे हैं, कि जब तक कश्मीर पे ये सारी चीजें लगी रहेंगी 370, जब तक वहां पे बेसिकली यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है, और अब ये लोग चाहते हैं कि अगर इसको फिर से लगा दिया जाएगा, फिर से सारी चीजें वैसे की वैसी हो जाएंगी, तो ये हमारे साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या था कि जो इंडिया है, इंडिया ने भी बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, इट वॉज एन अंडरलाइनिंग रीजन फॉर सस्पेंडिंग ट्रेड वॉज द 2000% ऑफ टैरिफ। तो यहाँ पे कितना टैरिफ इम्पोज कर दिया गया था, करीब 2000% का यहाँ पे टैरिफ इम्पोज कर दिया गया था, तो इंडिया ने करा था पाकिस्तानी इम्पोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर आपका पुलवामा टेररिस्ट अटैक हुआ था, जो कि आपका 14 फेब को हुआ था, सबको पता है 14 फेब को हुआ था, काफी बुरा हुआ था वो, ठीक है। तो दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड था वो बिल्कुल वो ज्यादा यहाँ पर सफर किया था, क्यों किया था, देखिए यहाँ पर अगर किसी भी बेसिस पे कोई भी लड़ाई होती है तो कोई भी देश है वो किसी और देश के साथ ट्रेड नहीं करेगा। तो यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में, चाहे वो एक्सपोर्ट के मामले में हो, इम्पोर्ट के मामले में हो, काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली थी। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट को देखा जाए, ठीक है, इंडियाज एक्सपोर्ट टू पाकिस्तान ड्रॉप नियरली 60% यहाँ पर गिर चुका था। उसके बाद अगर इम्पोर्ट की बात करें तो वो 97% गिर गया था, ये हुआ है आपका 2019 और 20 के मध्य में। मेजर ट्रेड अगर देखा जाए तो देखिए, जो आपका पाकिस्तान है वो इंडिया की 50 ट्रेड पार्टनर्स में आता है, जो टॉप 50 ट्रेड पार्टनर्स है उसमें से एक आपका पाकिस्तान भी आता है, बट 2019 और 20 में ये
इसको बाहर निकाल दिया था। बाहर क्यों निकाला था? देखिए, ये आपका पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है, और भी सारी चीजें। जब ये लोग इसी चीज को बार बार अपना एक मुद्दा बना के चलते रहेंगे कश्मीर वाले किस्से को, ठीक है, तब तक कोई भी चीज नहीं सेटल हो पाएंगी यहाँ पे। पहले अपना पाकिस्तान टेररिज्म को हटाए, ठीक है, और ये कश्मीर का राग अलापना बंद करे, तब हम आगे कुछ सोचेंगे भी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या था कि इंडिया के, अब देखो यहाँ पे, अगर देखो, अगर ट्रेड बंद भी होता है, ठीक है, अगर ट्रेड बंद भी होता है, नहीं भी हो रहा है ट्रेड, तो इंडिया को कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पाकिस्तान को पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स वगैरह होते हैं, जैसे टेक्सटाइल वगैरह के लिए, वो इंडिया से जाते हैं। फार्मानोटिकल्स वगैरह होंगे, जैसे आपके मेडिसिन वगैरह है, वो भी कहाँ से जाती है? इंडिया से ही जाती है। तो सबसे ज्यादा बेसिकली अगर देखा जाए तो नुकसान आपके पाकिस्तान को ही है, और सबसे ज्यादा परेशानी हुई भी थी पाकिस्तान को, ठीक है। तो अभी अगर उसको नहीं लेना है तो ना ले, नहीं करे ट्रेड। सो ओवर द इयर्स इंडिया हैज हैड अ ट्रेड सरप्लस विद पाकिस्तान विथ मच लेस इम्पोर्ट्स, ठीक है, और एक्सपोर्ट यहाँ पर ज्यादा थे। और यहाँ पर फिर क्या था कि इंडिया के जो एक्सपोर्ट थे पाकिस्तान की तरफ, वो काफी कम हो गए थे, 16% कम हो गए थे। अगर 2016 और 17 की बात करें, यहाँ पे कंपेयर करें, 2015 में ज्यादा थे, 2016 और 17 में कम हो गए थे। और यहाँ पर देखिए, उरी अटैक हुआ था, ठीक है, उरी टेरर हुआ था, उसके बाद यहाँ पर इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। तो उसके बाद भी क्या था कि दोनों ही कंट्री के बीच में जो ट्रेड था वो उस टाइम पे थोड़ा सा ग्रो हुआ था, ठीक है। टेंशन जरूर थी, पर ट्रेड थोड़ा सा बड़ा था उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो भी यहाँ पे बढ़ गया था, 6% यहाँ पे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ा था आपका करीब 2017 और 18 में, ठीक है। उसके बाद 7% और बढ़ गया आपका 18 और 19 में। अब ये फिर 19 और 20 में जाके बिल्कुल ही बंद हो गया, 19 और 20 में जाके बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि 370 वाला किस्सा आया था, तो इन लोगों का दिमाग खराब हो गया, इन्होंने बंद करवा दिया, ठीक है। इन्होंने बंद करवा दिया तो फिर इंडिया ने भी कर दिया। इंडिया ने जो जितना भी यहाँ पर इम्पोर्ट वगैरह थे उन पे अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया था। कितना टैरिफ लगाया था? 200% का टैरिफ यहाँ पे लगा दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि अगर मान लीजिए कि अगर ट्रेड बंद भी होता है तो उससे इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किससे पड़ना है? पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा दादा, ठीक है। तो यही किस्सा है। अभी हाल फिलहाल में पहले तो ये लोग बोल रहे थे कि ट्रेड करेंगे इंडिया के साथ, उसके बाद उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि भाई ये ट्रेड नहीं करने वाले हैं। पहले बात कर रहे थे कि शुगर और कॉटन इनको चाहिए, अब इनको बेसिकली नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बात आती है म्यांमार की। अब देखिए, म्यांमार की बात आ रही है। म्यांमार का आप सबको पता है कि क्या किस्सा है म्यांमार में, मैं आप लोगों को फिर से समझा देती हूँ आज। नाउ सी, म्यांमार जो है, बेसिकली अगर म्यांमार की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएं, तो यहाँ पे क्या है आपका, म्यांमार 1948 में आजाद हुआ था ब्रिटिश रूल से, और 1989 से पहले म्यांमार को क्या बोलते थे? बुर्मा बोलते थे। अभी भी बहुत सारी जगह बुर्मा ही बोला जाता है इसे, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा, यूएस वगैरह भी बुर्मा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या था, करीब आपका 1962 से 2011 तक, यानी कि 1962 से 2011 तक क्या था, यहाँ पर मिलिट्री रूल रहा है। मिलिट्री का यहाँ पे, मिलिट्री का जो एक दबदबा है ना, वो यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिला है। इवन मिलिट्री रूल से पहले, 1962 से पहले ही, आजादी से पहले भी जो मिलिट्री का एक दबदबा था, मिलिट्री को काफी ज्यादा पब्लिक पसंद करती थी, तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा हम लोगों को देखने को मिला था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 1962 से 2011 तक मिलिट्री रूल था यहाँ पे, यानी कि काफी हद तक इन लोगों ने मिलिट्री रूल झेला है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे फिर बात आई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह का, अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था आपका 2008 में। अब 2008 में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना भी था ना, तो ये बना था किसके द्वारा? ये बनाया गया था मिलिट्री के द्वारा ही। और मिलिट्री ने यहाँ पर भी खुद पावर में बने रहने के लिए उन्होंने क्या करा था, जो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसमें 25%, यानी कि 25% ऑफ जो सीट्स थी वो अपनी रिजर्व रखी। मान लीजिए कोई भी पार्टी आएगी, पर इनकी ये जो 25% सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी, यानी कि ये पावर में बने रहना चाहते थे। 2011 में इन लोगों ने जब देखिए, अब देश यहाँ पे सब लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई इलेक्शन होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी आनी चाहिए, ये सारी चीजें चल रही थी, तो 2011 में उन्होंने इलेक्शन करवाई भी। अब जब ये 2011 में इन लोगों ने इलेक्शन करवाई भी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे एक पार्टी थी आपकी एनएलडी,
एनएलडी क्या पार्टी है आपकी, नेशनली डेमोक्रेसी। अब ये पार्टी है ओंग सैंग सुई की, ये आपकी लीडर है ठीक है इस पार्टी की। तो इन्होंने अपोज किया उस टाइम पे ठीक है, क्योंकि ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन मानने को तैयार नहीं थे पहले तो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 25% जो सीट्स थी वो अपने उस पर रिजर्व रखी थी, तो लोग यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मानने को तैयार नहीं थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने इलेक्शन करवाए भी यहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टी आपकी आई भी ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी आई, डेमोक्रेसी आई यहाँ पे। जब यहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी, जब डेमोक्रेसी आई थी तो यहाँ पर क्या था कि इनके जो इंटरनेशनल रिलेशन थे और बाकी सारी कंट्रियों के साथ वो बहुत अच्छी तरीके से सुधरे भी थे ठीक है। फिर क्या हुआ, अभी जब 2020 में फिर से यहाँ पर जब इलेक्शन हुए तो उसमें दो पार्टी थी, एनएलडी और आपकी यूएसडीपी, ये दो पार्टी थी ठीक है, दो पार्टी थी यहाँ पर। इन दोनों पार्टीज में आपकी जो एनएलडी थी यानी कि जो आपकी ओंग सैंग सुई की पार्टी थी, इसको बहुत ज्यादा वोट मिले थे, काफी ज्यादा यहाँ पे आपको वोट, इसको वोट मिले थे ठीक है। और काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे जीती थी, पर यहाँ पर जो आपकी मिलिट्री थी, मिलिट्री ने यहाँ पे बोल दिया कि ये जो वोट्स हैं ठीक है ये खुद ब खुद कास्ट किए गए हैं, और यहाँ पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली है इस पर्टिकुलर उसमें ठीक है, इलेक्शन में। तो यहाँ पे फिर इन्होंने बोला भी कि पार्टी को मौका दिया कि आप लोगों को समय दे रहे हैं हम, और अगर उस समय के रहते आप लोग अपने आप को प्रूफ कर देते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार की कोई भी रेगुलरिटी नहीं हुई है तो ठीक है। तो अब 1 फरवरी को क्या था, 1 फरवरी की बात कर रहे हैं अब हम, 1 फरवरी 2021 में, 2021 में। अब यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब आपकी ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी और इसके मेंबर्स वगैरह थे वो अपने चार्जेस लेने के लिए आ रहे थे ठीक है, तब तक यहाँ पर जो आपकी मिलिट्री थी उसने अपना रूल लगा दिया, मिलिट्री कू आ गया यहाँ पे। अब मिलिट्री कू होता क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मान लीजिए कि कोई भी कंट्री है, कोई भी एक्स वाई जेड कंट्री है, उसकी जो मिलिट्री है वो उसको सडनली या इलीगली ओवरथ्रो कर लेती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मिलिट्री कू बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सबको। तो म्यांमार में यही सारी चीजें हैं कि यहाँ पे इन्होंने मिलिट्री रूल लगा दिया है, उसके बाद क्या है कि ये लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, क्योंकि देखिए लोग अपनी डेमोक्रेसी वापस चाहते हैं, जिस प्रकार की आजादी, जब देखो एक बार इंसान को फ्रीडम मिल जाती है ठीक है, जब फ्रीडम मिल जाती है तो फिर वो वही चीज वापस से चाहता है कि अच्छा खासा देश चल रहा था, फिर से अपना मिलिट्री रूल ले आए, जिसकी वजह से करीब अब तक 500 लोग भी मारे जा चुके हैं ठीक है, रोज के रोज यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो मेंबर, सॉरी वो थी एनएलडी की जो लीडर थी ओंग सैंग सुई की, उनको डिटेन कर लिया, और उनके पार्टी मेंबर्स को भी इन्होंने डिटेन कर लिया था करीब अभी हाल फिलहाल में ही, कुछ टाइम पहले ही 600 लोगों को इन्होंने जो डिटेन किए थे उनको आजाद भी किया था। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली कहा जा रहा है कि जो म्यांमार है वो आपकी रहने की लायक जगह तो बची नहीं है ठीक है, बिल्कुल भी रहने लायक जगह नहीं बची है। तो यहाँ से क्या था कि जो लोग थे वो रेफ्यूजी के तौर पर हमारे इंडिया में आ रहे थे, क्योंकि हमारी बेसिकली 4 स्टेट्स हैं जो इंडिया की जो आपके म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। 4 स्टेट कौन सी हैं आपकी, एक तो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ठीक है, मणिपुर, नागालैंड, ये 4 स्टेट्स हैं। तो यहाँ पर ये लोग मिजोरम में और मणिपुर की तरफ आते हुए नजर आए। अब इंडिया देखिए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है ठीक है वर्ल्ड में, तो इस वजह से इंडिया ने क्या यहाँ पर एक तरीके से एक ह्यूमैनिटेरियन स्टेप उठाया, यहाँ पे उन लोगों को हेल्प करी ठीक है, उन लोगों की मदद करी है। जो आपके यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है मिजोरम के, तो उन लोगों ने यहाँ पे मदद करी उनकी ठीक है, हर तरीके से उन लोगों को जिस भी तरीके की उनको जरूरत थी, चाहे शेल्टर हो, खाना पीना, जो भी चीज हो, सब प्रोवाइड करने की कोशिश करी। जब शुरुआत में देखा था हमने 300 करीब लोग यहाँ पर आ चुके थे इंडिया की तरफ। ओके तो एक बारी आप लोग मैप में जाके देख लेना ठीक है, 4 स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर कर रही है किससे, म्यांमार से। ओके चलो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि म्यांमार में क्या इश्यू चल रहा है। अभी यहाँ पे यही बोला गया है कि करीब 4 लोग यहाँ पे मारे गए हैं ठीक है, तो यहाँ पे रोज के रोज लोग मारे जा रहे हैं ठीक है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिल रही है, प्रोटेस्ट काफी ज्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। कोई भी चीज है, हालत कभी भी मतलब अभी तक सुधरी हुई नजर नहीं आ रही है, रोज के रोज म्यांमार आपका न्यूज में आ ही रहा है। ओके क्लियर हो गया सबको म्यांमार का इशू, म्यांमार का इशू क्लियर हो गया सबको, क्लियर हो गया म्यांमार का इशू। तो यही चीज है म्यांमार की जो यहाँ पे बोली जा रही है कि अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह की शांति नहीं देखने को मिल रही है, कि मतलब कुछ भी यहाँ पे ऐसा हो कि कोई अच्छा स्टेप लिया जाए, कि यहाँ पे बोल दे कि भाई प्रोटेस्ट वगैरह ये सब जो ने चल रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, ये सब कम होना चाहिए। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है, ऐसा है कि आपकी जब डोनाल्ड ट्रम्प आए थे ना, तो डोनाल्ड ट्रम्प ना अपने साथ साथ सैंक्शंस की बाहर लेकर आए थे, तो उन्होंने जो आपका आईसीसी है
उस पे सैंक्शन लगाया था, इम्पोज किया था। उसके जो दो ऑफिशियल्स थे, देयर वर टू ऑफिशियल्स, ठीक है, आईसीसी में, उन पर उन्होंने सैंक्शन लगाया था, उनके जो वीजा थे उनको बैन कर लिया था, असेट्स थे उनको फ्रीज कर लिया था। ये किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए क्या है आईसीसी, क्या है आपका आईसीसी, है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। तो इसके जो दो टॉप ऑफिशियल्स थे उस पर आपके डोनाल्ड ट्रंप जी ने यहाँ पे सैंक्शन लगा दिए थे, उनके वीजा को बैन कर लिया था और उनके जो असेट्स थे उनको कर लिया था फ्रीज, ठीक है। तो दो लोगों के यहाँ पे करे थे उन्होंने। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात क्या हो रही है कि पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है क्या। ये क्या है? ये आपका डील करता है कि मान लीजिए कि कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके द्वारा कोई भी क्राइम ऑफ जीनोसाइड हुआ हो, ठीक है, या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हुआ हो, वॉर क्राइम हुआ हो, तो ये उस पर अपना मतलब बेसिकली उसको ही एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों का रवांडा में आप लोगों को पता है कि केस हुआ था कि काफी सारे लोग वहां पे मारे गए थे, ठीक है, तो वो केस बेसिकली इसमें आ नहीं पाया था क्योंकि उसके ये बेसिकली आपका 2002 में बना है, ठीक है, और वो थोड़ा पहले का केस हो जाता है। तो इन्होंने वैसे भी जो 2002 से पहले के केसेस हैं वो इन्होंने लेने की मना कर दी थी, तो वो वाला केस इसमें आया नहीं था। और यहाँ पे बेसिकली आपका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है और दूसरा आपका आईसीजे, आईसीजे और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको ये दोनों ही समझाती हूँ। देखिए आईसीजे के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये, ठीक है। क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये क्या है? ये आपका डील करता है पार्टीज में, ठीक है, ये बेसिकली आपकी यूएन की बॉडी है और आपका 1946 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, यानी कि आपका जो आईसीसी है यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उससे पहले एस्टैब्लिश हुआ था। कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1946 में एस्टैब्लिश हुआ था। और आपका जो क्रिमिनल कोर्ट है वो कब हुआ था? 2002 में। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, ये आपके इंडिविजुअल पे बात करता है, ठीक है, मान लीजिए किसी भी इंडिविजुअल पे बात कर रहा है ये, और ये बात करता है पार्टीज के बीच में। पार्टीज के बीच में मतलब के मान लीजिए कि इंडिया बनाम कोई भी कंट्री, ठीक है, इंडिया वर्सेस अदर कंट्री, और ऐसे बेसिकली पार्टीज के बारे में बात करता है, क्योंकि अगर यूएन के बारे में बात करें तो पार्टीज हो गई कंट्रीज, ठीक है। और यहाँ पे ये बात करता है किसके बारे में? क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है यहाँ पे इंडिविजुअल का। ओके, इतना क्लियर है सबको? तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही आपके अगर लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो आपकी एक जगह है होग की, ये है नीदरलैंड्स में, तो हेग में है ये दोनों ही, ठीक है। और दूसरी बात अगर यहाँ पे देखा जाए कि दोनों में किस प्रकार के केसेस देखे जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जीनोसाइड है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, वॉर क्राइम्स है, क्राइम ऑफ एग्रेशन है, ये आपके किस में देखे जाते हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। और अगर आईसीजे के बारे में बात करें तो आप लोगों को पता है कुलभूषण जाधव वाला केस, कुलभूषण जाधव वाला केस जो था वो आपका आईसीजे में ही था, आईसीजे में था। कोई मुझे बताएगा कि उसमें वो किसके अगेंस्ट था, किसके अगेंस्ट था कुलभूषण जाधव वाला केस, कोई बता सकता है? जो ये वीडियो भी देखेंगे वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए कि ये किस प्रकार के केसेस को लेते हैं, ये लेते हैं आपके सोवरेनिटी पे, बाउंड्री पे, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स पे, ठीक है, ट्रेड पर, नेचुरल रिसोर्सेज पर, ह्यूमन राइट्स पे, ट्रीटी वायलेशन पे, ट्रीटी इंटरप्रिटेशन पे, इन सारे केसेस को ये लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बताया यूएन फंड करता है यहाँ पे, ठीक है, इनको यूएन फंड करता है। और बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे इंडिया की बात करें तो बेसिकली इंडिया यहाँ पर इसको नहीं मानता है। हाँ, पाकिस्तान, पाकिस्तान और कुलभूषण जाधव वाला जो केस था, तो यहाँ पे दो कंट्रीज को इन्होंने लिया है क्योंकि यहाँ पे ये पार्टीज के बारे में बात करता है और जो आपका आईसीसी है वो बात करता है इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे यही चीज बोली गई है कि जो आपके सैंक्शंस थे ट्रंप के द्वारा लगाए गए थे, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए थे, वो सैंक्शन यहाँ पे जो बिडन है वो हटा रहे हैं उन सैंक्शंस को यहाँ पर वो हटा रहे हैं। तो अब देखिए ट्रंप के लिए यहाँ पर बहुत, सॉरी ट्रंप के लिए कह रही हूँ, बिडन के लिए बहुत ज्यादा मुसीबत करके गए हैं ट्रंप, क्योंकि यहाँ पे जब वो ईरान पे सैंक्शन लगा के गए थे, ठीक है, पहले तो वो न्यूक्लियर डील से बाहर निकल गए,
उसके बाद फिर वो ईरान पे सैंक्शन लगा गए। अब यहाँ पर क्या है कि जो बिडेन जो है वो अपने जो बेसिकली जो उनके रिलेशंस हैं बाकी सारी कंट्रीज के साथ वो बस उन्हें सुधारते फिर रहे हैं, क्योंकि एक तो खराब कर गया, दूसरा उनको सुधारने पे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी आईसीसी के बारे में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आईसीसी और आईसीजे दोनों ही डिफरेंट बॉडीज हैं। यहाँ पर इन्होंने आपके डोनाल्ड ट्रंप जी ने दो टॉप ऑफिशियल्स थे आईसीसी के, दो टॉप ऑफिशियल्स थे उन पर यहाँ पर उन्होंने क्या करा था, सैंक्शन लगा दिया था, उनका जो वीजा था उसको बैन कर लिया था, जो उनके असेट्स थे उनको भी फ्रीज कर लिया था। ठीक है, चलो 2019 में हुआ था ये बेसिकली, अगर यहाँ पे अगर आप लोग इस न्यूज में पढ़ोगे तो ये हुआ था आपका 2019 में। ओके, इंपॉर्टेंट आपके लिए आईसीसी और आईसीजे है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज ड्राइविंग द सेकेंड वेव इन इंडिया। यहाँ पे बात हो रही है कि इंडिया में जिस प्रकार से सेकेंड वेव देखी जा रही है, तो यहाँ पर ऐसी क्या चीज है जो कि जिसकी वजह से हमें ये जो सेकेंड वेव है यानी कि ये जो दूसरी लहर है हमारे यहाँ कोविड 19 की जो आती दिख रही है वो क्यों आ रही है। देखिये पहली चीज क्या है कि दो जो नए वेरियंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अब वेरियंट्स किस में आ रहे हैं, जो आपका आप लोगों ने देखा होगा ये आपके कोरोना वायरस का वो है, ऐसा ही दिखता है आपका कोरोना वायरस, ऐसा ही दिखता है ना, तो इसके जो स्पाइक्स है ना इसमें वेरिएंट्स देखने को मिल रहे हैं, जो इसके स्पाइक्स है ना वो वाले स्पाइक्स नहीं जो आप लोग बालों में बनाते हो, ये जो इसके स्पाइक्स है उसमें वेरिएंट्स देखने को मिले हैं। तो इन वेरिएंट्स की वजह से क्या हो रहा है कि काफी ज्यादा मुश्किल पड़ रही है। दूसरी चीज क्या है कि लोगों ने देखिए जितने भी प्रोटोकॉल्स वगैरह थे ना वो तो यूज करना मतलब उनको अपनाना तो क्या, उनको तो बिल्कुल दूर ही फेंक दिया है, क्योंकि अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट वेयरिंग मास्क। ठीक है, ज्यादातर लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं और जो केसेस हैं वो सबसे ज्यादा आपके महाराष्ट्र की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर महाराष्ट्र की तरफ जो केसेस हैं बहुत बढ़ रहे हैं। पहले भी अगर देखा गया था कि जब पहले केसेस बढ़े थे तो भी महाराष्ट्र सबसे पहले आई थिंक महाराष्ट्र ही था जो इम्पैक्ट में आया था, और अभी फिर से यहीं पर ही सबसे ज्यादा केसेस हैं। 50,000 अगर देखा जाए तो आपके केसेस मुंबई में ही है, आई थिंक 50,000 मुंबई में है, पुणे में है, यहाँ पर लॉकडाउन भी लगाया गया है, एक हफ्ते का लॉकडाउन लगाने की बात करी है पुणे में। ठीक है, और ये लॉकडाउन ऐसा होगा कि आप जैसे मान लीजिए शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक, तो जितना काम करना है उससे पहले कर लीजिए या बाद में करिए, बट जब लॉकडाउन लग जाएगा तब नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रोटोकॉल्स को अपनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि जब तक यहाँ पे जल्दी जल्दी वैक्सीन ही लगेंगी लोगों के तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी। और अब तक वैसे भी 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, थोड़ा टाइम लगेगा वैक्सीनेशन में भी। और हाल फिलहाल में आज खबर आई थी, अगर हम यूपी की बात करें तो आगरा में तो ऐसे काफी सारे सेंटर्स हैं जहां पे वैक्सीन खत्म भी हो गई है, काफी सेंटर्स हैं जहां पे वैक्सीन है ही नहीं वहां पे वैक्सीन खत्म भी हो गई है। तो कुछ ऐसी हालत भी है जो सरकार की थोड़ी हिलती डुलती भी है, तो वो भी चीज थोड़ी सही करनी पड़ेगी अगर हेल्थ के उस पर देखा जाए, क्योंकि केसेस तो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। अभी के अभी देखा है हमने कि 1,00,000 केसेस हो चुके हैं, अब ये केसेस कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेंगे, है ना। तो जितना हो सके लोग घर के अंदर रहें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगह देखिए लॉकडाउन तो एक तरीके का कोई सलूशन है नहीं, लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई भी है, क्योंकि हमने कल भी देखा था लॉकडाउन की वजह से जो गरीब लोग हैं, ठीक है, उनको ना तो उनकी कोई मतलब एक तरीके से होता है ना कि रिसोर्स हो कोई उनके पास जमा कुछ हो, तो वो अपनी जमा पूंजी जो है वो उसमें लगा लें कि भाई अगर मान लीजिए कि 2 महीने का लॉकडाउन हो तो 2 महीने कम से कम वो उसका करते रहे, पर आगे क्या होता है कि आगे उनको नौकरियां नहीं मिल रही है, बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि अब देखिए बिजनेस भी आपके चले नहीं लॉकडाउन के टाइम पे, सब कुछ बंद रहा था, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी, चाहे आपके गरीब लोग हों मिडिल क्लास हों। देखिए रिच पीपल को तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, जितने भी अमीर लोग हैं वो तो अमीर हैं तो वो अमीर ही हैं, ठीक है, उनको कोई परेशानी हो रही कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, चाहे आप 2 महीने का लॉकडाउन लगाओ 6 महीने का लगाओ उनके पास है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम किसकी आती है कि एक जो डेली ही पैसा कमाता हो, ठीक है, जो डेली के 100-200 रुपए कमा रहा हो उसके लिए प्रॉब्लम आती है, और उस व्यक्ति के लिए मिडिल क्लास इंसान के लिए, ठीक है, एक जिसका घर बैठे कोई काम ना हो जिसको बाहर जॉब पे ही जाना हो, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतने सारे लोगों की जॉब्स गई हैं। और उसके बाद प्रॉब्लम क्या, जब लॉकडाउन खुला तो प्रॉब्लम ये कि अब जॉब कहाँ मिलेगी, क्योंकि जॉब भी यहाँ पे बहुत सारी कम दिख रही है,
है ना, कहीं जॉब भी नहीं बची है लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से, कोरोना वायरस की सिचुएशन में तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, जॉब्स चली गई लोगों की, ठीक है, और इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ गई, हेल्थ इश्यूज बढ़ गए, ना जाने क्या क्या चीजें थी, बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिली है। तो लॉकडाउन कोई सिचुएशन नहीं है, सरकार यहाँ पे कोई और एक तरीके से देखे, ठीक है, कि क्या कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे और दूसरी चीज क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है, तो आप लोग खुद ही मास्क पहनो, और 2 गज दूरी मास्क बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे यही चीज है कि सेकेंड वेव आपकी एक तो वेरियंट्स की वजह से और दूसरा लोगों की लापरवाही की वजह से, क्योंकि अगर अभी भी देखो आप, अगर कोई फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल वगैरह हो, तो लोगों की भीड़ एकदम, मतलब जैसे क्या बोले कि इतने जो भूखे लोग नहीं होते जिनको फिर एकदम से छोड़ देते हैं बाहर, ठीक है, काफी दिन से उन्हें बंद कर रखा हो, फिर उन्हें छोड़ते हैं, तो एकदम बहुत सारे लोग बाहर निकल के जाएंगे। तो उसी तरीके से यहाँ पे लोगों को भी देखा गया। अभी दिल्ली में भी देखें तो दिल्ली में लॉकडाउन के टाइम पे भी बहुत सारे लोग बाहर निकल रहे थे, बहुत लोगों को बाहर निकलते हुए देखा गया था, ठीक है, लोग अपना मतलब शॉपिंग कर रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं। तो उसकी वजह से अभी आप दिल्ली की भी हालत देखो, दिल्ली में भी अगर देखा जाए, वहां लॉकडाउन तो नहीं लग सकता है, लॉकडाउन लगने का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे, ठीक है, तो वहां लॉकडाउन नहीं लगेगा, पर केसेस वहां पे इतने सारे हैं, रोज के रोज इतने सारे केसेस आ रहे हैं, और यहाँ पे जो डेथ रेट है वो भी बढ़ रहा है। और केसेस आपके सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अगर इंटरनेशनली बात करें तो सबसे पहले यूएस में सबसे ज्यादा केसेस यूएस में है, उसके बाद दूसरे नंबर पे पहले हमारा इंडिया था, फिर आ गया है वहां पे ब्राजील, ब्राजील में करीब 3 लाख डेथ हो चुकी है, एक अलग ही वहां पे हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, इतने सारे लोगों की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से जो एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है पूरे देश में, वो बहुत ज्यादा ही बेकार है। ओके, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें, जितना हो सके उतना ध्यान रखिए, बाहर कम ही जाएं तो ज्यादा बेहतर है, और जिन लोगों की जॉब्स वगैरह हैं वो अपना खासकर ध्यान रखें, है ना, क्योंकि ये जो आपके जो नए वेरियंट्स आ रहे हैं, ये जितने भी यंग लोग हैं उनको ही अफेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैसे तो हमारी वैक्सीन वगैरह हैं वो लगाई जा रही हैं, 2 वैक्सीन है हमारी, कोवाजिन और कोविशील्ड, ठीक है। चलो अब यहाँ पर साइंस एंड टेक में आपकी बात हो रही है ये प्यारे प्यारे रैट के बारे में, ठीक है, ये हमारे प्यारे माइस हैं, इनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो माइस का माइंड होता है, यानी कि जो चूहे का दिमाग होता है ना, वो इंसान के दिमाग के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी एक वॉशिंगटन की यूनिवर्सिटी है, तो उसके रिसर्चर्स ने यहाँ पे पढ़ाई करी है कि हाउ हैलुसिनेशन टेक्स प्लेस इन ब्रेन्स ऑफ माइस, जो हैलुसिनेशंस होती हैं, ठीक है, वो कैसे आपके जो चूहे होते हैं उनके दिमाग में कैसे आती है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा मुझे, व्हाट आर हैलुसिनेशंस, हैलुसिनेशंस क्या होती है, एनीवन, व्हाट आर हैलुसिनेशंस, जल्दी बताओ हैलुसिनेशंस क्या होती है, क्या बात है, किसी को पता नहीं है, हैलुसिनेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज हो आपके आसपास, प्रेजेंट हो ना प्रेजेंट हो, जैसे मान लीजिए कोई टच वगैरह है, ऐसी चीजें, क्या है ये, बेसिकली एक्सपीरियंस होते हैं जो कि इन्वॉल्व करते हैं परसेप्शन को किसी चीज की, ठीक है, जो कि प्रेजेंट ना हो। हाँ, स्टक ऑफ माइंड, वेरी गुड, स्टक ऑफ माइंड होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिसर्चर्स हैं, इन्होंने क्या चीज यहाँ पे देखी है, जो आपके चूहे हैं उनके दिमाग में क्या देखा है, यहाँ पे उन्होंने ये स्टडी करी है कि जो हैलुसिनेशन होती है वो इनके दिमाग में किस प्रकार से आती है, किस प्रकार से टेक प्लेस करती है। तो यहाँ पर दे वर हेल्प्ड इन दिस स्टडी बाय अ कंप्यूटर गेम। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या करा, जो एक कंप्यूटर गेम था, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये एक पर्टिकुलर कंप्यूटर गेम का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, ठीक है, और ये कहा इन लोगों ने कि ये वो कंप्यूटर गेम है जो कि इंसान भी खेल सकते हैं और आपके चूहे भी खेल सकते हैं। कैन यू जस्ट इमेजिन, चूहे भी वो एक गेम खेल सकते हैं जो कि इंसान भी खेल सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर आफ्टर एस्टैब्लिशिंग द सिमिलैरिटी ऑफ माइस एंड ह्यूमन ब्रेन्स इन दिस एस्पेक्ट, द रिसर्चर्स स्टडीड द बायोलॉजी ऑफ हैलुसिनेशन, द स्टडी में हेल्प इन डेवलपिंग थेरेपीज फॉर साइसोफ्रेनिया। अब साइसोफ्रेनिया जो आपकी बीमारी है, ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलरली यहाँ पर ये भी बोला गया है कि यहाँ पर रिसर्चर्स ने जब इस पे देखा कि भाई ये मतलब जो चूहे हैं आपके, ठीक है, वो भी वही एक पर्टिकुलर गेम खेल सकते हैं जो कि इंसान भी खेल सकते हैं, यानी कि दोनों के ब्रेन सिमिलर है कि नहीं। तो यहाँ पे ये सिमिलैरिटी देखने के बाद इन लोगों को ये चीज पता चली
कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फिर बायोलॉजी देखी, किसकी, हेलुसिनेशन की बायोलॉजी देखी, और उसके बाद से उन्होंने ये चीज पता करी कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर इस स्टडी के हिसाब से ये लोग डेवलप कर सकते हैं थेरेपीज को फॉर साइजोफ्रेनिया के लिए. किसके लिए? साइजोफ्रेनिया के लिए. साइजोफ्रेनिया क्या बीमारी होती है ये भी बता दे कोई. साइजोफ्रेनिया बताइए. साइजोफ्रेनिया मेंटल डिसऑर्डर होता है एक तरीके का. क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर होता है. ठीक है, जैसे आपके मान लीजिए कोई ब्रेकडाउन है. ठीक है, थॉट इमोशन वगैरह इन सारी चीजों का लोगों में ब्रेकडाउन होता है ना. कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिला था लोगों के अंदर. ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है इस स्टडी के हिसाब से कि ये लोग डेवलप कर सकते हैं थेरेपीज फॉर साइजोफ्रेनिया. ओके, क्लियर है इतना सबको? आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रिवर्स कर रहे हैं एक बैन को. बैन किस पे लगा था? आपका H-1B वीजा पर. अब ये H-1B वीजा क्या होता है? देखो, ट्रंप ने यहाँ पर, डोनाल्ड ट्रंप जी ने यहाँ पर बैन लगाया था. किस पे बैन लगाया था? H-1B वीजा पर. अब इससे क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ. देखो, H-1B वीजा क्या होता है, ये इससे क्या है कि हमारे यहाँ से कोई भी इमिग्रेंट वगैरह होता है, यानी कि अगर यूएस के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जैसे मान लीजिए कि जो फॉरेनर्स होते हैं, यानी कि हम लोग इंडिया और चाइना वाले, तो हम लोग वहां पर जाके जॉब कर सकते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, वहां पे फुल टाइम एम्प्लॉई बन सकते हैं. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर वो वीजा था जिसके थ्रू हम लोग जाते थे. कहाँ पर जाते थे? यूएस जाते थे. ठीक है, और वहां पर वर्क करते थे. अब यहाँ पर ट्रंप ने इसको बैन कर दिया था. बैन क्यों किया था उन्होंने? बैन इसीलिए किया था क्योंकि वो चाहते थे कि भाई जो हमारे यूएस के लोग हैं, ठीक है, वही यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ले, वही यहाँ पे जॉब करें, बाकी और देशों के लोग क्यों आए. तो इन्होंने बैन कर दिया था. बट यहाँ पर जब जो बिडेन आई, इनका दिल बहुत अच्छा है, इन्होंने इस पर्टिकुलर बैन को यहाँ पर हटा दिया है. ठीक है, जो आपका H-1B वीजा है, इससे इन्होंने बैन हटा दिया है, यानी कि अब हम लोग इस पर्टिकुलर वीजा से ट्रेवल कर सकते हैं यूएस में. ठीक है, और जो लोग अपने, जिनके काम वगैरह रुक गए थे, ठीक है, वो अपने काम कर सकते हैं यहाँ पे, फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं यहाँ पे. तो इस वीजा के थ्रू क्या होता है कि हम लोगों को वहां पर एम्प्लॉयमेंट का एक वो मिल जाता है. ठीक है, क्लियर है इतना सबको? आखिरी खबर है आपकी, मेंटेनिंग द इन्फ्लेशन टारगेट एट 4%. अब यहाँ पर आप लोगों ने कल भी पढ़ा था, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है इन्फ्लेशन? तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देती हूँ. देखिए क्या हुआ है कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण. तो देखिए, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बेसिकली उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया था. बट फिर आपकी जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, इन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि जो आने वाले 5 साल है, यानी कि 2021 से 2026 तक, कब से 21 से 26 तक क्या होगा, यहाँ पर एक पर्टिकुलर इन्फ्लेशन का जो रेट है वो यहाँ पर स्थगित रहेगा, यानी कि वो यहाँ पर सेम रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं होगा. क्या रेट फिक्स किया था इन्होंने? यहाँ पर इन्होंने रेट था जो फिक्स किया था, वो था आपका 4 ± 2. ठीक है, इसका मतलब अगर देखिए, 4 में, मैथ्स पे आ जाओ थोड़ा सा, 4 में प्लस 2 करेंगे तो यानी कि 6 आएगा, और अगर 4 में माइनस 2 करेंगे यानी कि 2 आएगा. यानी कि जो मिनिमम रेट होगा वो आपका 2 जा सकता है, यानी कि 2 हो सकता है, और मैक्सिमम 6 हो सकता है, इससे ज्यादा, इसके बियॉन्ड नहीं जाने वाला. तो ऐसा आपका किसने बोला? RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी, उन्होंने ये पर्टिकुलर रेट निकाला कि भाई इतना ही रेट है आज से आपके 2021 से 26 तक, यही रेट रहेगा, इसके मतलब इस पर्टिकुलर रेट में कोई भी किसी भी तरीके का बदलाव देखने को हमें नहीं मिलेगा. ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें हम इन्फ्लेशन की, तो देखिए आपको मैंने कल भी 3 इन्फ्लेशन बताई थी. ठीक है, कौन कौन सी 3 टाइप की बताई थी? एक थी पहले आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन. ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है. दूसरी कौन सी होती है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होती है. ठीक है, और तीसरी होती है आपकी बिल्ड इन इन्फ्लेशन, BII. अब पहली अगर देखें हम, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब देखिए कोई भी डिमांड बढ़ती है किसी भी प्रोडक्ट की, मान लीजिए कि
आप किसी भी शॉपकीपर पे जाते हैं और उसके पास अगर चार अमरूद है, ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुआवा, उसके पास चार अमरूद है और लेने वाले हैं वहां पर 10, ठीक है। अब 10 लोगों को चाहिए चार अमरूद है, तो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब डिमांड ज्यादा होती है तो उसी के हिसाब से महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए किसी भी चीज की अगर हम देखें कि हमारा हम लोग कोई भी अपना काम भी शुरू करते हैं, तो पहले क्या होता है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज की डिमांड जब है, जब ज्यादा बढ़ती जाती है, तो हम क्या करते हैं, तो उसकी महंगाई भी ज्यादा बढ़ेगी, उसके जो प्राइस है वो भी हाई जाएंगे, है कि नहीं। तो ये हो गई आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। उसके बाद जब हम बात करते हैं आपकी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, यहाँ पे जब किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो कम हो जाती है। यहाँ पर अगर यहाँ पे बात हो रही है आपकी सप्लाई की, पहले में बात हुई थी डिमांड की, दूसरे में बात हो रही है सप्लाई की। अगर सप्लाई यहाँ पर कम हो जाती है, ठीक है, सप्लाई कम हो रही है, तो क्या होगा, तो अब भी आपका जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे दोनों ही चीजें, एक तरीके से अगर कोई भी चीज है उसका डिमांड बढ़ जाती है तो यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है। दूसरी चीज में ये हो रहा है कि अगर किसी चीज की सप्लाई कम हो रही है तो उसकी जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। लास्ट में क्या है, लास्ट आता है आपका बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी सामान का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बात क्या आती है, यहाँ बात आती है वर्कर्स की, यानी कि जो व्यक्ति नौकरी कर रहा है। अब वो भी चाहेगा कि भाई एक बात बताओ, जब महंगाई बढ़ रही है तो उससे लड़ने के लिए इंसान के पास पैसा तो होना चाहिए। अब किसी की 10,000 सैलरी है तो वो यही उम्मीद करेगा कि इसमें थोड़ा सा बढ़ोतरी होनी चाहिए, ये थोड़ी सी बढ़नी चाहिए सैलरी, क्योंकि अगर सैलरी बढ़ेगी तभी आदमी कुछ अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको मेंटेन करके रख पाएगा, उसे स्टेबल करके रख पाएगा। अगर वो यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगी तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर यही चीज बोली गई है कि जो आपकी बिल्ड इन इन्फ्लेशन है, कि जैसे ही आपकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, इनकी डिमांड बढ़ती है, इनकी कॉस्ट बढ़ती है, उसी हिसाब से क्या है, जो वर्कर्स होते हैं, जो इंसान होता है, वो भी यही चाहते हैं कि भाई अगर मैं काम कर रहा हूँ और इतनी महंगाई बढ़ रही है तो 10,000 में तो सारी चीजें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जब जब डिमांड कम होती है तो वो तो सारी चीजें हो सकती है, मेंटेन हो सकती है, पर यहाँ पर क्या होता है कि सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए, है कि नहीं। तो ये होता है आपका बिल्ड इन इन्फ्लेशन। आई होप आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। फिर आपकी यहाँ पे अगर हम बात करें तो बात आती है आपकी आरबीआई की, जो कि है इम्पोर्टेंट। आरबीआई क्या है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका आरबीआई अगर देखा जाए तो ये भाई फॉर्म हुआ था 1935 में। कब फॉर्म हुआ था, 1935 में फॉर्म हुआ था ये, ठीक है। और नेशनलाइज इसको किया गया था 1949 में। नेशनलाइज कब किया गया था, 1949 में। पहला हेडक्वार्टर अगर देखा जाए इसका कोलकाता में था, ठीक है, यानी कि वेस्ट बंगाल में कोलकाता में था पहले इसका। उसके बाद जो हेडक्वार्टर था वो शिफ्ट हो गया था आपका मुंबई। कहाँ शिफ्ट हो गया था, मुंबई। और मुंबई कब शिफ्ट हुआ था आपका, 1937 में। 1937 में शिफ्ट हो गया था मुंबई। अब अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि पहले इंडिपेंडेंस से पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई के, पहले गवर्नर कौन थे, कोई बता सकता है? इंडिपेंडेंस की बात तो पता होंगे सबको, जो हमारे इंडियन गवर्नर थे वो तो सबको पता होगा, है ना, वो तो पता होगा, पर ये बताओ कि इंडिपेंडेंस के पहले वाले कौन थे। ओसबॉर्न स्मिथ थे, सर ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, ये थे पहले। उसके बाद हमारे अगर इंडियन के हिसाब से बात करी जाए तो वो थे सीडी देशमुख थे। ओके, तो यहाँ पर ये हो गई आपके लिए इन्फ्लेशन की कहानी, कि यहाँ पर इन्होंने 5 साल के लिए जो बिल्कुल सही विशाल ओसबॉर्न स्मिथ, तो यहाँ पर जो बेसिकली आपको जो इन्फ्लेशन का एक पर्टिकुलर रेट है, ठीक है, वो यहाँ पर इन लोगों ने एक रखा है कि भाई 5 साल तक यही रेट रहेगा, इसको आप लोग 5 साल पढ़ेंगे तो यही याद रखना, क्या है, 4 ± 2। ज्यादा होगा तो 6 जा सकता है, कम होगा तो 2 जा सकता है, ठीक है, इसके बियॉन्ड कुछ नहीं होगा। ऑल राइट, अगर कोई बदलाव होता तो बाद में पता ही चल जाएगा वो, पर हाल फिलहाल में तो कोई बदलाव नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ये आखिरी खबर है, क्लियर है सबको, इतना क्लियर हो गया सबको। तो ये थी आज की आप लोगों के लिए खबरें, जिसमें हम लोगों ने बात करी, काफी कम आर्टिकल आए थे आज, ठीक है। आई होप आप लोगों को कोई इश्यू नहीं आया होगा इन सारे आर्टिकल्स में। चलिए फिर कल मिलेंगे, कल है मंडे, कल तो आपके एडिटोरियल्स भी आते हैं, आज तो संडे था,
आज ना तो एडिटोरियल आते हैं, बस आता है आपका साइंस एंड टेक और साइंस एंड टेक एंड योर FAQ। तो वो हमने देख लिया, साइंस में हम लोगों ने एक टॉपिक देखा था चूहे वाला, चूहे का दिमाग और इंसान का दिमाग एकदम एक समान होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? आई होप सबको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर भी कर देना। ऑलराइट, चलिए तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, कोविड इतना ज्यादा फैल रहा है तो प्लीज अपने घर में रहें जितना रह सकते हैं और अपना ध्यान रखिए, ठीक है, 2 गज दूरी मास्क बहुत है जरूरी। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे, बाय एवरीवन।